दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को तेज करते हुए आज विधानसभा क्षेत्र के गांव मोहनपुर, नांगल, इसराना, ढाणा, रामबा सहित कई गांवों में जनसभाएं कर अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान अनीता यादव के साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा अध्यक्ष एडवोकेट सत्यनारायण यादव तथा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मीडिया कन्वेयर संदीप यादव भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि संदीप यादव भी अटेली विधानसभा से कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार थे और अब वो अनीता यादव के पक्ष में कांग्रेस के लिए वोट की अपील करते नजर आए। अनीता यादव का इससे पूर्व गांव में पहुंचने पर फूलमाला, पगड़ी और पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही गाँव में अनेक जगह अनीता यादव को फलों से भी तोला गया। इस दौरान अनीता यादव ने लोगों को उनके 5 साल के कार्यकाल और पिछले 10 वर्ष के भाजपा कार्यकाल के विकास कार्यों को लेकर तुलना की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल चेहरे और मुखौटा बदलने का काम करती है। उन्होंने योजनाओं के नाम बदलने और पत्थर बदलने का काम किया, जमीनी स्तर पर भाजपा ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने लोगों को परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में उलझाकर रख दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ से भाजपा प्रत्याशी आरती राव और उनके पिता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि वो विधानसभा के 100 गांव के नाम बता दे। उन्होंने कहा कि यदि आप राजघराने के चेहरे को विधायक बनाओगे तो आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की योजनाओं के बारे में बताया कि यदि कांग्रेस सरकार बनी तो बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली की फ्री। इसके साथ ही बीपीएल परिवार के सदस्यों को 100-100 गज के प्लाट सहित कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रामपुरा हाउस की एक तरफ 50 साल की राजनीति और एक तरफ उनके 5 साल के विकास कार्यों की आप खुद तुलना करके देखें और इसके बाद आपको पता लगेगा कि अटेली विधानसभा में विकास किसने करवाया। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव चले हुए हैं और लगातार प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार के अंदर लगे हुए हैं। हम आपको पूरे महेंद्रगढ़ जिले की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लगातार चुनावी जो गतिविधियां हैं वो दिखा रहे हैं। आज मौजूद हैं अटेली विधानसभा में और अटेली विधानसभा का ये नांगल मोहनपुर गांव है जहां से कांग्रेस प्रत्याशी हैं अनीता यादव, वो यहां पहुंची हैं और जो है उनके समर्थन में काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनीता जी, खुद उनसे हम जान लेते हैं। अनीता जी, जिस प्रकार से चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आपका समर्थन लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये सब महिलाओं का प्यार है, महिलाओं के बीच में रहती हूँ, महिलाओं का सुख दुख मेरा सुख दुख है। जो मेरा परिवार है उसको मैं अपना परिवार समझती हूँ, जो मेरे नाते हैं यहाँ पे भाभी तो भाभी समझती हूँ और चाचाताई और चाचाताई समझती हूँ। इसलिए आप देख रहे हैं ज्यादातर महिलाओं की संख्या ज्यादा जी। जैसा कि देख रहे हैं कि जो है विपक्ष में प्रत्याशी उतारा गया है, आप जनता के बीच रही हैं, तो कितना इस चीज का आपको वेटेज मिलता दिखाई दे रहा है, फायदा होता दिखाई दे रहा है कि जनता के बीच रहने का आपको? देखो, एक तरफ वो हमारी बहन जी कहती हैं कि मुझे नहीं पता गाँव का, मुझे नहीं पता जो कैंडिडेट मेरे सामने हो कौन है, ना मैं कभी उनसे मिली, वो मेरे से कैसे मिलेंगी, वो तो दिल्ली की खान मार्केट के पास रहती हैं, शादी उनकी अमृतसर में हुई है और मैं कहाँ रहती हूँ, मैं गांव में रहती हूँ, मैं इनके बीच में रहती हूँ, यही 2 कदम पे कनीना में मेरा ऑफिस है, मैं ऑफिस में पूरा दिन शनिवार वाले दिन बैठती हूँ, बुधवार वाले दिन बैठती हूँ, तो सब माताएं बहनें भी मिलने के लिए आती हैं जो कनीना का ऑफिस है उसमें, क्योंकि कनीना का मात्र यहाँ से बहुत ही नज़दीकी ऑफिस है जी। ऑफिस खोलने से काम नहीं चलता जब तक कैंडिडेट खुद ऑफिस में नहीं बैठता, लोगों की ग्रीवेंस नहीं सुनता, लोगों के विकास कार्यों के बारे में चिंता नहीं करता, तो लोग जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए मैं बड़े अदब से कहना चाहती हूँ, जो राजमहलों में रहने वाले जो बच्चे हैं उनका क्या दोष है, वो हमारी बहनें हैं, उनका लालन पालन इसी तरह का हुआ है और हमारा जो डायमेंशन है शरीर का वो इस क्लाइमेट के लिए हुआ है, वो राजा के बच्चे हैं उनका थोड़ा दिक्कत आती है। और वो तो चलो दूर की बात है, वो तो अपने बन भी जाएगी तो ससुराल जाएगी, जाना पड़ेगा, बहन बेटी कभी किसी के रहती नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ जो चुनाव लड़ते हैं उनके पिताजी से जानना चाहती हूँ
क्या वो कभी आज के लगभग 50 साल की राजनीति में इन गांवों में आए? क्या उनको विधानसभा अटेली के 100 गांव 104 डाणी, 100 गांव 4 डाणी और 2 ब्लॉक 9 ब्लॉक अटे, क्या इनमें कितनी वोट है इसके बारे में पता है? क्या वो बता सकते हैं कि कौन से गांव का कौन सा बूथ है? क्या वो बता सकते हैं कि कितनी बिरादरी किस गांव में बसती है और उनकी क्या प्रॉब्लम्स है? कभी आके ये बोला है उन्होंने आगे नांगल गांव की बस्ती कहाँ है, नांगल गांव की बस्ती में प्रॉब्लम क्या है? तो इस तरह से या वो एक बात भी बता सकते हैं अगर अटेली विधानसभा क्षेत्र का 50 साल के दौरान मैंने ये काम किया है, केंद्रीय मंत्री रहते रहते वो लोग बड़े घराने के हमारे वंश हम उनके वो हैं, मतलब पहले हमारे पिताजी उनके मतलब हमारे बाबा के पैरों में धोख खाते थे राव वीरेंद्र का, लेकिन इन बातों से घरा तो नहीं भरा ना, इनसे तसल्ली तो नहीं। आज तो बच्चों को एजुकेशन चाहिए, जब तो खेती करते थे लोग, एक कोई बुलाता तो आ जाते थे, लेकिन अब तो कदम कदम पे यहाँ पर तकलीफ है, इनको दूर कैसे करा जाए? या 50 साल में आप ये बताओ कि इस दक्षिणी हरियाणा के लिए उन्होंने क्या किया? और मैं ये बता सकती हूँ कि राजा राव वीरेंद्र सिंह के नाम पे RBS कॉलेज जो खोला है जैनाबाद में, पॉलिटेक्निकल कॉलेज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खोला है। ऐसे कितने काम ऐसे हैं, कनीना का जो कॉलेज है PKSD कॉलेज, इसमें सरसों भरी हुई थी, तो ये राजा ने कहा है इस चीज़ को, अगर सरसों कॉलेज से निकल जाती है तो बच्चों को पैंट पहननी आ जाएगी, बच्चे पढ़ लिख लेंगे, जब बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो हमारे दरिया कौन बिछाएंगे, हमारा वेलकम कौन करेगा गांव में जब आते हैं? जब वो वेलकम करते हैं गांव में आते हैं गांव ग्रामीण, तो किसी खासी तो ये तो प्राकृतिक वो है, किसी को भी आ सकती है। तो परसों एक बाबा ने खांसी कर दी वहाँ पे, और खांसी तो एलर्जी खांसी होती जाती नहीं है, तो एकदम कह दिया बाबा तू प्रे जाके खांसी कर लेना। तो इस तरह का एटीट्यूड जब उनके पेरेंट्स का है, जब उनके पेरेंट्स जब सिगरेट पीते हैं तो उनका प्रोटोकॉल ख्याल नहीं रहता कि वो किसके सामने सिगरेट पी रहे हैं। एक मेंबर पार्लियामेंट 5 बार का बना हुआ जो लगातार, और आज सारे प्रदेश में नहीं देश की पार्लियामेंट में एक नंबर पे अगर कोई है तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। तो ये खानदान तो उनके सामने सिगरेट पीते हैं और स्टेयरिंग पे बैठ जाते हैं। तो ये सारी बातें कहने का मतलब मेरा सार ये है कि यहाँ पर वही नेता, वही कार्यकर्ता, वही बहन, वही भाई यहाँ पर कामयाब है जो यहाँ इलाके के लिए काम करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर रहती हूँ इसलिए मुझे यहाँ की कल्चर का पता है, इसलिए मेरा हक समझ कर कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ हमारी बहनों से, अपने भाइयों से, कि वो विपक्ष की भूमिका से दूर होकर के कांग्रेस पार्टी का अपना समर्थन दें ताकि हम इलाके के काम करा सकते हैं, और विपक्ष का विधायक कुछ नहीं करा सकता, केवल TADA के लायक होता है। इनको तो TADA भी नहीं चाहिए जी, ये तो राज्य ही अपने आप में, तो राज्यकार प्रजा का यही। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत से आपके जो साथ देख रहे हैं, संदीप जी भी प्रचार में जुट गए हैं, तो आने वाले समय में जिस प्रकार से और जो प्रत्याशी थे वो सभी कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे? हाँ जी आ रहे हैं लोग, जैसा जैसा मतलब यहाँ का एरिया है ना, जैसे प्रवीण जी है, संदीप जी है, प्रवीण जी थे कल उधर, तो हमारा क्या कहते हैं 2 ब्लॉक है जी, अटेली ब्लॉक और कन्या ब्लॉक, जो सूटेबल होता है उतने ही वहाँ पर पार्षद अपने मेंबर के प्रत्याशी पहुँच जाते हैं। हमारे में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को लेना है और कांग्रेस पार्टी को विजय बनाना, इस मकसद को लेकर हम सारे साथ मिलकर चल रहे हैं जी। संदीप जी से बात कर, संदीप जी जिस प्रकार से आप खुद एक प्रत्याशी थे, अब अनिता जी को टिकट मिली है तो अब चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, तो कांग्रेस की एकजुटता नजर आती जा रही है अभी कुछ? बिल्कुल ठीक बात है, सभी प्रत्याशियों ने बैठ के एक बात कही कि यार टिकट का तो एक बहुत छोटा सा मकसद है, टिकट के लिए हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है कि जो पिछले 10 साल में भाजपा ने अन्याय किया है उसके खिलाफ, हमारी लड़ाई है नौजवानों के रोजगार के सवाल को लेके, किसानों के फसल के पूरे दाम को लेके, क्षेत्र के विकास को लेके, और यहाँ तमाम जो स्थानीय समस्याएं हैं जो हम गाँव में घूमे वो हमने देखी, उन सब की लड़ाई के सामने टिकट की लड़ाई बहुत छोटी है, क्षेत्र के बदलाव के लिए, पॉजिटिव चेंज के लिए सब लोग एकजुट है और इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं जी। तो क्या उम्मीद है कि इस बार यहाँ से और पूरे प्रदेश की अगर बात करें, क्योंकि आप राहुल गांधी की टीम के पार्ट रहे जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी, कि उम्मीद है हरियाणा में बदलाव होगा इस बार? हरियाणा में माहौल क्या है,
आप देखेंगे तो भाजपा वालों को उस तरफ तो गांवों में बढ़ने नहीं दे रहे, उनको भगा रहे हैं वहां से, भागते हो के कई वीडियो, विरोध की कई सारी वीडियो आएगी। तो जो इन्होंने किसानों के साथ किया, अब किसान इनको कहीं का नहीं छोड़ रहे। अब देखा होगा कि भाजपा के कई लोगों की टिकटें कटी, अब वो ऐसे फूट फूट के रो रहे, बुरी तरह से रो रहे। अब उनको सोचना चाहिए था, जब बच्चों को रोजगार नहीं दिया, अग्निवीर योजना लेके आए, 4 साल की योजना लेके आई और उनका ये हाल किया है, कितने सारे उन बच्चों ने तैयारियां की, कितने पेपर कैंसिल हो गए, कितने साल उनके बर्बाद हो गए इनकी सिर्फ गलत नीतियों और गलत डिसीजंस की वजह से। तो आज युवा, नौजवान और किसान इनके बिल्कुल खिलाफ है, इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे और इनको बुरी तरह से हार मिलेगी। अब आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर इनको हाफ सीटें मिली थी, तो मैं एक बात कहता हूं, लोकसभा में हाफ, विधानसभा में भाजपा साफ। अक्टूबर जो 5 तारीख आएगी, 5 अक्टूबर भाजपा की करेंगे खाट। तो ये है, तो सब माहौल बहुत बढ़िया है और सब लोग लगे हुए हैं काम में एकजुटता के साथ। जी बिल्कुल, कुछ है और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बात कर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव? आपकी दफा तो कांग्रेस का एक मौसम माहौल है, कांग्रेस कांग्रेस। एक तरफ देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आरती राव है, ठाकुर रतनलाल है, अनीता है और जेजेपी से भी प्रत्याशी हैं, दूसरे और भी हैं, तो जो चुनाव करोगे आप क्या देख करके करोगे, किन मुद्दों को लेकर के करोगे? अनीता यादव हर टाइम यहाँ पर सक्रिय रहती है, सबसे नजदीकी यही है और तो सब बाहर के हैं, इसलिए इस मुद्दे पे करेंगे। बाबा है, बाबा हाँ जी, क्या कहना चाहोगे इस बार के चुनाव को लेकर के? भाई हम तुम्हें कहना चाह रहा है, बीजेपी से बिल्कुल दमदार गरीब आदमी करे, हम दमदार आदमी अनपढ़ सा, हमारा पड़ोसी का 60 आदमी का परिवार था, राव वीरेंद्र के साथ रहा, उनके कभी भी कोई सुनवाई नहीं करी, जिस काम के लिए गया मेरा मैं जानता ही नहीं, इस वजह से अनिता है ये दुख सुख में खड़ी मिलती है। हमारे पड़ोस में एक मर्डर केस हुआ तो 3 दिन तक पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं की, अनिता आई, इसने इंक्वायरी और न्याय करवा, वो मुलजिम पकड़वा, तो ये दुख सुख हमें साथ हमेशा साथ रही है अनिता। भाई साहब क्या कहना चाहूँगी? बस ये कहना चाहूँ क्योंकि इसमें जो बीजेपी सरकार थी इसमें युवा वर्ग, किसान, पहलवान सभी ने पीछे बैठा दी इनको, तो कुछ कुछ सोचा नहीं है क्योंकि रोजगार है मेन मुद्दा, और अनिता यादव का बहुत ही स्वभाव स्वभाव है, हर एक दुख और सुख में काम आते हैं, और बीजेपी तो रात घर नेता है, वो तो आपने बताया मिलते नहीं है, मिलेंगे तो ये काम नहीं करता है, ये बहुत ही स्वाभाविक होता है। कांग्रेस सरकार आनी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, तो इसमें कोई भूल नहीं करने वाला, कोई लोग एक एक वोट हाथ पे देंगे तो कांग्रेस को विजय बनाएंगे। तो बिल्कुल देखिए जिस प्रकार से जो है यहाँ हम नांगल मोहनपुर में पहुंचे, यहाँ जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से हरियाणा सरकार की जो नीतियां रही हैं उनको लेकर के लोग परेशान हैं, और यहाँ जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनको अपना समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस के प्रति आस्था। बहरहाल ये आने वाला समय बताएगा जब 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होंगे कि हरियाणा की जनता जो है किसे चुनती है और हरियाणा में किसकी सरकार बनती है। कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह, वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़, कनीन।